जैसे भारत बढ़ रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत कुछ नया हो रहा है एनईपी की वजह से। लेकिन अंशु, जहाँ एजुकेशन की बात चली है, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा सबसे फेवरेट और सबसे ऐसा फेवरेट जो नहीं था, जिससे तुम्हें डर लगता था, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? अरे यार, सुबह सुबह दुखती नस पे हाथ रख दिया। भाई देखो, वैसे तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स पसंद हैं और थे भी, लेकिन ये गणित का जो फंडा है ना, वो ना मुझे अपनी स्कूल लाइफ में समझ आया था और आज तो बिल्कुल भी नहीं आता है। देखिए, शायद इसीलिए एनईपी में ऐसा प्रावधान किया गया है कि हम आर्ट के माध्यम से ऐसे सब्जेक्ट्स को समझें, एक्सपीरियंस करें और उनके बारे में और अधिक जानें। एक विजुअल इमेजरी जब हमें मिलती है आर्ट के माध्यम से, तो हमें कोई भी कितना भी कठिन सब्जेक्ट हो, बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा, और इस बारे में और जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। खास सेगमेंट हमारा रोल ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन इन एजुकेशन सिस्टम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर आराधना गुप्ता जी का। आप मेंटोर हैं फॉर नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। स्वागत है मैम डीडी मॉर्निंग शो में आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आर्ट इंटीग्रेशन सुनने में बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रहा है। सबसे पहले एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में हम समझना चाहें क्या होता है आर्ट इंटीग्रेशन, और हम बात कर रहे हैं क्योंकि कि एजुकेशन सिस्टम में इसको किस तरह से हम ऐड ऑन कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सो एक टूल है एजुकेशन के लिए, कई टूल यूज़ करते हैं ना। बिल्कुल। तो आर्ट इंटीग्रेशन एक पेडागॉजी है, एक टूल है अच्छी तरह से एजुकेशन को इंजॉय करने के लिए। हम क्यों पढ़ते हैं? आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए। डंडा लेके नहीं चलते हैं, है ना। चीज़ जो हम सिखाए जाते हैं वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए स्कूल के माध्यम में हम बिल्कुल 12th तक ट्रेन हो जाते हैं लाइफ को फेस करने के लिए। और जितना अच्छा हमारा ट्रेनिंग होता है, उतना ही अच्छा हम लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि आज रात को पढ़ा, कल सुबह एग्ज़ाम दे दिया और परसों वो गायब हमारे दिमाग से। लेकिन एक चीज़ जो आप अनुभव करके बना के खुद एक्सपीरियंस करते हैं, और वो आपके मन से कभी नहीं जाती। जैसे आप कभी भी देखो, आप हवाई जहाज़ में उड़ के जाओगे तो आपको ऊपर क्लाउड्स और नीचे दिखेगा कैसे इंडिया दिखता है, कोई भी कंट्री कैसे दिखती है, नदी कैसे बहती है, वो आप कभी नहीं भूल सकते। दैट इज़ अ फैक्ट। वो क्या है, आपकी दृष्टि क्या देख रही है उस समय, सिर्फ कला के थ्रू देख रही है ना। कोई टीचर नहीं बैठा आपके बगल में। हर छोटे बच्चे को आप देखना फ्लाइट में, उसको विंडो सीट चाहिए। मुझे भी आज तक इसीलिए चाहिए क्योंकि जो मेरी आंखें देखती, जो मैं समझती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं कभी नहीं बोल सकती। आइलैंड क्या होता है, जब आप ऊपर से देखते हो आप समझ जाते हो, ठीक है ना। विजुअलाइज करके चीजों को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आराधना जी, ये बताइए कि बिल्कुल ठीक है कि सेंस ऑफ ऑर्गन्स के थ्रू हम जब चीज़ों को अडेप्ट करते हैं तो वो हमारे जहन में बैठ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इतना एक्सपीरियंस आपको रहा है, स्टूडेंट्स के साथ में आपका इंटरेक्शन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल ये रहा है और उनको कहाँ तक हेल्प मिली है उनकी स्टडीज़ में? ओके, तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा मेरे लिए जो एक्सपीरियंस था, वो एक डाइनिंग टेबल सबसे बढ़िया मैथ्स पढ़ाने का जगह है। सच्ची, एक किचन है, एक डाइनिंग टेबल है, आप पिज्ज़ा घर पर आता है उसको कटिंग कराते हो, एक पिज़्ज़ा के कितने कितने लोग खाते हैं शेयर। अब बच्चे को दे दो, उसको मैथ्स नेचुरली आ जाएगी। हाफ कर दो, वन फोर्थ कर दो बेटा पिज्जा का। खाली वोकैबुलरी का यूज रियल लाइफ सिचुएशन में, ये सिर्फ एक तरीका सिखाने का है, लेकिन सिखाने वाले के मन में होना चाहिए कि आज मैथ्स में बच्चे ने ये पढ़ा है, क्या मैं इस चीज़ के जरिए, इट्स इनोवेटिव। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ तुम ऐसे पढ़ाओ, नहीं, आपको इनोवेट करना पड़ेगा कि कैसे मैं इस टेबल में, ये टेबल ओवरलैप कर रही है तो एक जोन बन रहा है जो इसको कट रहा है, तो इसके मतलब थोड़ी ना कि दो टेबल। आप ज्यादातर देखोगे बच्चे ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, लोग खड़े हुए कभी नहीं दिखाएंगे एक बच्चा आगे एक पीछे। अगर आप बात करते, अरे ये तो कप का हैंडल इसका दिख रहा है, इसका नहीं दिख रहा है, वो धीरे 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 हर कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में वो देखना ऐसे शुरू करेगा। तो ये इंटीग्रेशन इज अ टूल विच इज हेल्पिंग अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड डे टू डे लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट विजन। मैम, अब अगर आर्ट की बात करें तो ये एक बहुत ही वेरियस आर्ट फॉर्म्स इसका एक हिस्सा है, चाहे वो संगीत हो, स्टोरी टेलिंग हो, पेंटिंग हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स को समझाने के लिए किन आर्ट फॉर्म्स का हम प्रयोग करते हैं?
देखिए सारे सब्जेक्ट्स में सारे आर्ट फॉर्म आजकल हम लोग सब इसके ऊपर बुक्स भी बन रही है एनसीईआरटी की, जिसमें उसको सबको थिएटर को, डांस को, म्यूज़िक को, आर्ट को, विजुअल आर्ट को कंबाइन करके हम बता रहे हैं. एक ही चीज़ को हम कई तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है ना. तो अगर आपको मैथ सीखना है तो आप देखिए म्यूज़िक में कितना सिंपल है, आप ऑफ बीट हो जाओगे ना, 16 मात्रा को 17 में लाओगे कैसे हो सकता है. तो जिसको मैथ्स आती है वो कभी गलत ताली नहीं बजा सकता, और जो बच्चा सही ताली बजाता है वो मैथ्स गलत कर ही नहीं सकता. सिर्फ वीविंग करते हैं हम, दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, अपने आप आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया. एक बार आपने ये डाला और फिर बच्चे से कहा तुम तीन और एक करो, तीन और एक करो, उसने म्यूजिक भी सीख लिया, वीविंग भी सीख लिया और मैथ्स भी सीख लिया. मैम जनरली जब ये प्ले वे लर्निंग की बात करते हैं या ऐसे आर्ट फॉर्म के जरिए सिखाने की बात करते हैं, तो एक आम धारणा ये है कि तो छोटी क्लासेस में तो इसका फायदा है, बड़ी क्लासेस में जाके नहीं. पर एनईपी के तहत हम किस क्लास तक आर्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं एजुकेशन में, या फिर ये एक मिथ है? पूरी ज़िंदगी के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं आर्ट को. फिर हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा हर चीज़ को बड़ा सिंप्लीफाइड मेथड में समझ सके. सो दिस इज इक्वली यूजफुल इन सीनियर क्लासेस आल्सो, ऑल क्लासेस, ऑल क्लासेस. दिस इज वे ऑफ लाइफ, इंटीग्रेटेड है. आप साड़ी पहनते हो तो भी एक तरीका होता है ना, उसका भी एक लय चलता है. ऐसे उठा के कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं पहना जाता तो बच्चे को पता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, कंट्रास्ट कलर क्या होता है. अगर आपको ज़रा सी भी नॉलेज है आप देखने में बहुत अच्छे लगोगे, ऑफ बीट नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा, रिदम आ जाएगी चीज़ में. और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा, मतलब जब मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया 11th 12th ग्रेड को, उनको सबसे ज़्यादा था कि बच्चे आगे क्या करेंगे. क्योंकि क्या हो रहा था कि हमारे क्लास के बच्चे 11th 12th में आर्ट लेना चाह रहे थे, और पेरेंट्स को बार बार ये चिंता हो रही थी कि अगर उन्होंने आर्ट सब्जेक्ट ले लिया तो क्या होगा. आप को म्यूजिक आती है, आप दुखी हैं तो आप क्या दुखी गाना गा के बाहर निकल सकते हैं? नहीं, यू हैव टू सिंग समथिंग अगेंस्ट इट टू कम आउट. होंगे कामयाब. हम दुखी हैं और हमने और दुखी, मन मेरे सुन मेरा कहना, यहाँ नहीं रहना, तो आप और दुख हो जाएगा. एजुकेशन से आपको पता चलता है हमें आगे बढ़ना है. तो जैसे हम वो गाना गाने लगेंगे एकदम आप खड़े होकर चेतन हो जाएंगे. एक टीचर का यही दायित्व है, आर्ट इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि हाउ टू टेक अ चाइल्ड आउट ऑफ दैट मोड, मेक इट अ हैप्पी लर्निंग, लर्निंग फॉर लाइफ इन ऑल सब्जेक्ट्स. एंड टीचर्स आर वेरी इनोवेटिव. आपको किसी टीचर को बताने की जरूरत नहीं, आप ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ. कोई माँ को नहीं बताता बच्चा कैसे पालो, हर माँ अपने आप अपना बच्चे को पाल देती है. तो आराधना जी, आपने जैसा कि बताया कि मैथ्स के फोबिया के बारे में तो हमने जानकारी ली, लेकिन इस बारे में मैं अलग से दोबारा आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फोबिया है. जरूर जरूर. और मुझे ऐसा लग रहा है सभी लोगों का पेन पॉइंट होता है, ज्यादातर लोगों का. अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे स्कूल टाइम पे ये फैसिलिटी क्यों नहीं थी. तो हम थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं. मैथ, साइंस, इसका ज़्यादातर बच्चों को फोबिया होता है, ठीक है. लेकिन थोड़े से ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करें जो मुझे पर्सनली लगता है कि क्या इसमें भी आर्ट इंटीग्रेशन हो सकता है. अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की या बात करूँ हिस्ट्री की, तो इस बारे में बताएं, इसमें भी आर्ट इंटीग्रेशन का हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, आर्टिस्ट की पावर बताती हूँ मैं आपको. भगवान ने हमारी रचना करी जी, लेकिन भगवान की रचना किसने करी? हम में दोष हो सकता है, लेकिन हम जब भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो दोष रहित होते हैं. तो आर्टिस्ट में बहुत ताकत है, उसको आपको लाना पड़ेगा फोरफ्रंट में. जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो क्रिएशन का बहुत बड़ा रोल है. क्रिएटिव आर्टिस्ट ही होता है, वही किसी सांचे में नहीं डरता, वो हर सांचे को तोड़ के आगे निकलता है. और टेक्नोलॉजी हमेशा से एक चैलेंज रही है आर्टिस्ट के लिए, बहुत ज़रूरी है समझना. जब कैमरे का इन्वेंशन हुआ तब रियलिज्म ख़त्म हुआ. ट्रू जी. क्योंकि सब जने घंटों बैठ के एक पेंटिंग बनाते थे, एक कैमरे ने फोटो खींचा और आर्टिस्ट की नौकरी चली गई. तब आया इम्प्रेशनिज्म कि बना के दिखाओ तुम ऐसा. ये तो कैमरा कैप्चर नहीं करता. फिर डिजिटल आ गया, उसने वो भी बना के दिखा दिया. अब फिर हम आर्टिस्ट आगे बढ़े तो एआई आ गया. तो क्रिएशन, कंटिन्यूएशन, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वेयर डज इट कम फ्रॉम? जब ओरिजिनलिटी उसे रेपिटेशन से नहीं होता. बट मैम, कैन यू गिव अस सम एग्जांपल कि अगर हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री को आर्ट के तरीके से किसी बच्चे को समझाना चाहें तो कैसे समझाएं? मैं आपको एक जो अपने एक्सपीरियंस से एग्जांपल बता रही हूँ, बड़ा अच्छा था कि हमने एक बार आर्ट इंटीग्रेशन किया था, जैसे ईस्टर्न इंडिया लिया था.
उसमें फिर हमने मधुबनी आर्ट ली, फिर हमने रामायण ली. अब मेरे क्लास में इंटरनेशनल बच्चे थे उस क्लास में, तो जो राम जिसने विजुअलाइज किया, हमने कहा सबको कि कुछ नहीं बताया रामचंद्र जी, किसी ने देखे भी नहीं है, हर बच्चे से इमेजिन करो कि एक जना जिसका ये कैरेक्टर है वो कैसा लगेगा ड्रेसिंग अप में. तो हमने ऑलरेडी एक प्री कंसीव नोशन नहीं दिया रामचंद्र जी का जी, बच्चों को जी. जो बच्चा इटली का था मेरे क्लास में, उसने बिल्कुल रोमन राम बनाया ऊपर से, है ना. जो इजिप्शियन था उसने फिरौनिक राम इमेजिन किया. तो हमको व्हाट आई वांट टू टेल यू कि बच्चों को एवेन्यू छोड़ दो, बांधे नहीं, बांधो नहीं, सूरज के आगे किरणें मत बना के दो, पहाड़ों के बीच में से सूरज उगना बंद कराओ. जो उनके लिए सूरज का महत्व है वो समझाओ, जो पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए सूरज जीवन है, बट जो रेगिस्तान में रहते हैं उनके लिए सूरज गर्मी है, ताप है, उनको चांद अच्छा लगता है. सो व्हाट सन मींस टू एवरीबॉडी इज वेरी डिफरेंट. पर्सपेक्टिव है. टेक अम्ब्रेला, टेक मैथ्स एंड अम्ब्रेला. अम्ब्रेला हैज सो मेनी थिंग्स. अम्ब्रेला कैन बी कनेक्टेड टू साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, इमोशंस. हमारा अम्ब्रेला, मैंने बच्चों से पूछा अम्ब्रेला तुम्हारे लिए क्या है, तो बोलते हैं हमारे घर के, हमारे देश के सोल्जर्स. क्या बात है. एक से पूछा तुम्हारे अम्ब्रेला क्या करे, मेरी मम्मी मेरा अम्ब्रेला है. एक से पूछा बोला मेरा घर अम्ब्रेला है. एक बच्चे को लगा कि स्कूल हो मेरी टीचर, मैम यू आर माय अम्ब्रेला. मतलब That is integration. Right. तो आर्ट इंटीग्रेशन मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ आपकी दार्शनिक शिक्षा को भी आगे बढ़ावा देता है. बिल्कुल. मैम हमने बच्चों की बात की, तो इस बारे में बताइए अगर कोई बच्चा आफ्टर 12th इसमें करियर या प्रोफेशनली इसको ऑप्ट करना चाहता है, तो ये भी कोई इसमें है कोई डिग्री? बहुत कुछ है और उसको जब तक आप लिख के नहीं समझ सकते हैं उसको बता नहीं सकते. और उस बात को मैं फिनिश करते हुए एक बात और कहना चाहती हूँ. आर्ट इंटीग्रेशन में मुझे स्कूल से और टीचर से यही रिक्वेस्ट है कि जब इंटीग्रेटेड जो आर्ट पार्ट है उसको भी आप असेसमेंट में, उसके इवैल्यूएशन में मार्क्स लगाएंगे, तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी. पर ये रियलिटी है कि पेरेंट्स तभी समझ पाते हैं जब बच्चों को दो नंबर, अच्छा तुमने बनाया, तुमने बनाया, ना कि पेरेंट ने आर्ट बना के दिए. जो मेरे को एक्सपीरियंस होता है कि ट्यूटर लगा के वो बना के स्कूल में भेज देते या खुद बना के देते. नहीं, हम बच्चे की मानसिकता समझते हैं जैसा वो आर्ट बनाता है उसे. व्हाट कलर्स डू दे यूज, हाउ दे पुट इट, हाउ दे विजुअलाइज, अगेन इवन द सन और अर अम्ब्रेला इज वेरी वेरी डिफरेंट. सो जस्ट लीव इट अलोन. तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आर्ट में ढालते हैं और टीचर उससे बच्चे का समझ पाती है कि व्हाट इज द चाइल्ड गोइंग थ्रू. और हम अगर वो समझ लेंगे तो शायद किसी बच्चे को कुछ कहना ही नहीं पड़े. एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्ट द करियर पाथ, राइट. मतलब मैं सबसे पहले, मुझे लगता है कि एक मेरी सबसे बड़े विजय थी कि दो डॉक्टर्स की बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, शी रियली स्टूड अगेंस्ट हर पेरेंट्स इन ग्रेड 11. शी लिसन टू देम. 3 महीने उसने साइंस पढ़ती रही, फिर उसकी मम्मी आई मेरे पास कहने को, मैम मैंने इतना उदास अपने बच्चे को कभी नहीं देखा, आई एम सॉरी बट इसको आर्ट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं पैशन. शी कैन बी हैप्पी, शी कैन डू, शी वाज टॉपिंग द क्लास इन साइंस एवरीथिंग, बट शी वाज नॉट हैप्पी. हैप्पी बिल्कुल, क्योंकि उसके वो लेंसेज लग चुके थे जहाँ पर आर्ट जो था उसका रिफ्लेक्शन था हर चीज़ का. तो इतना सुंदर लीव बनाती थी, उसके साथ वो सीखती थी सारी वेन्स और डिटेल्स सब, क्योंकि आर्ट था एंड शी वाज, इट वाज म्यूजिक फॉर हर. तो जीने का सलीका सिखाती हैं हमें आर्ट इंटीग्रेशन प्रियदर्शनी, और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये. और मुझे लगता है कि न्यू एडुकेशन देखिए पॉलिसी में तो आ ही गया है और धीरे धीरे हर बच्चे को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए. कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग हम इसको कह सकते हैं. आराधना जी, आप कीमती समय निकाल कर स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी और इनोवेटिव न्यू जानकारी आपने हमारे और हमारे दर्शकों के साथ में साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.